फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने अनबॉक्सिंग कर लिया। सैमसंग का न्यू मॉडल जो कि आपको मिलता है, और ये जो रेफ्रिजरेटर है डबल डोर आपको मिलता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, और ये डीजी टचकूल रेफ्रिजरेटर है प्लस कन्वर्टेबल। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा डबल डोर रेफ्रिजरेटर परचेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो पर बने रहे, जिससे आप डिसाइड कर सके कि ये रेफ्रिजरेटर आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बनाने के लिए किसी ब्रांड से कोई भी हम पैसा नहीं लिए हैं, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का कोशिश करेंगे, जिससे आप अपना हार्ड एंड मनी जो है सही प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट कर पाइएगा। तो चलिए इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रिज है आपको, इसमें डबल डोर है, और ऊपर का और नीचे का दोनों का आपको डिफरेंट कलर आपको इसमें देखने को मिलेगा। नीचे का कलर अलग और ऊपर का कलर अलग, जो कि काफ़ी यूनिक डिजाइनिंग के साथ आपको ये सैमसंग का रेफ्रिजरेटर आता है। और ये डिजिटल है, इसके अंदर जो है आपको अगर कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल करना हो तो इसके अंदर आपको कोई भी बटन नहीं मिलेगा, पूरा जो है कंट्रोल आप इसके डोर से ही कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसके रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। तो देखिए, ये रेफ्रिजरेटर आता है आपका सैमसंग का, और ये 2-स्टार रेटेड रेफ्रिजरेटर है। इसमें दो कलर आपको ऑप्शंस मिलेगा, एक में जो है फुल यही मेटेलिक कलर आपको देखने को मिलेगा, और ये एक मॉडल जो है जिसमें आपको ये डिफरेंस दोनों कलर देखने को मिलेगा। तो दो ही कलर में ये रेफ्रिजरेटर अभी लॉन्च किया गया है, और इसमें साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये 2-स्टार रेटेड है। अगर इस रेफ्रिजरेटर को आप 1 ईयर कंटिन्यू चलाते हैं तो 263 यूनिट बिजली आपका ये खपत करेगा। 1 ईयर कंटिन्यू चलाने पर 263 यूनिट का आपका एनर्जी खपत ये करेगा। इसका जो आपका लेवल पीरियड है, 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2024 का इसका लेवल पीरियड आपको देखने को मिलेगा। अप्लायंसेस रेफ्रिजरेटर ब्रांड सैमसंग, इसका मॉडल हम बता देते हैं। इसका मॉडल है RT28CB732C7, और ये 2023 का मॉडल आपको मिलता है। टाइप जो है ये रेफ्रिजरेटर मिलता है फॉरेस्ट फ्री, ऑटो डिफोर्स के साथ आता है। ऑटो डिफोर्स क्या होता है वो भी बताएंगे, तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। टोटल वॉल्यूम नेट कैपेसिटी है इसका 236 लीटर तक आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस रेफ्रिजरेटर का इसमें जो आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया है, जिसमें आपको 20 ईयर वारंटी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 20 ईयर वारंटी आपको मिलता है कंप्रेसर का, और 1 ईयर कंप्रहेंसिव वारंटी मिलेगा। इसे आप विथाउट स्टेबलाइजर का भी चला सकते हैं। अगर इस रेफ्रिजरेटर को आप चलाते हैं विथाउट स्टेबलाइजर का, तो इसका वोल्टेज जो रेंज है 100 वोल्ट से मिनिमम लेके 300 वोल्ट मैक्सिमम तक ये विथाउट स्टेबलाइजर का आपका वर्क करने वाला है। इसे आप इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। इन्वर्टर पर चलाइएगा तो बहुत ही कम बिजली आपका ये खपत करने वाला है। मात्र आपका 60 से 80 वाट पर आपका ये रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होता है, तो बहुत ही कम वोल्टेज पर आपको जो है ये ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये डिजिटल होने के कारण आप इसे जो है पूरा यहीं से कंट्रोल कर पाइएगा। इसका फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो अलग सेटअप कर पाइएगा, और फ्रीज का टेम्परेचर अलग सेटअप कर पाइएगा, क्योंकि ये डीजी टच कूल रेफ्रिजरेटर है। डीजी टच कूल रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, नॉर्मल जितना भी रेफ्रिजरेटर आएगा उससे थोड़ा ये फास्ट कूलिंग करता है, और आपका बिजली भी कम खपत करता है, क्योंकि इसमें ऑटो डिफॉल्ट सिस्टम रहता है। प्लस इसके अंदर अगर 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ, फ्रीज आपका जो है फ्रीजर का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कितना कूलिंग करना है ये ऑटोमेटिक कर लेगा, जिसके कारण आपका सामान भी ताज़ा बना रहेगा, और ये बिजली एनर्जी भी कम आपको खपत करके देने वाला है ये फ्रीजर। और ये कन्वर्टेबल है, तो कन्वर्टेबल मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो है फ्रीजर बॉक्स को, ये ऊपर का जो है फ्रीजर चैम्बर, इसे आप फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कन्वर्ट होने के कारण आप इसका नीचे का टेम्परेचर और ऊपर का टेम्परेचर दोनों ही सेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीज को फ्रीजर आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन फ्रीजर को फ्रीज आप बना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर घर में कोई पार्टी फंक्शन है तो आप नीचे भी वेजिटेबल फ्रूट्स स्टोर कर सकते हैं, और ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा ये कन्वर्टेबल होने के कारण। और आपका फ्रीजर का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम -23 डिग्री सेल्सियस तक सेटअप कर पाइएगा, और फ्रीज का टेम्परेचर जो है 7 डिग्री सेल्सियस तक आप सेटअप कर पाइएगा। और यहाँ से एक और ऑप्शन मिलता
देता है। फ्रीजर को अगर आप पावर कूल करना चाहते हैं, थोड़ा फास्ट कूलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका पावर कूल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे एक बटन यहाँ से पुश कीजिएगा, आपका फ्रीजर जो है पावर कूल करने लगेगा, सबसे फास्ट कूलिंग करके आपको दे देगा। अगर थोड़ा फास्ट आपको बर्फ़ जमाना हो या पानी ठंडा करना हो, तो इसमें तीन ही बटन है, तीन बटन से ही आप पूरा फ्रीजर को कंट्रोल कर पाइएगा। फिर फ्रीजर टू फ्रीज, अगर आपको फ्रीजर को फ्रीज में कन्वर्ट करना है तो इसमें एक बटन और है, उसे 3 सेकंड के लिए पुश कीजिएगा, तो आपका फ्रीजर जो है फ्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण ऊपर और नीचे का दोनों का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसे ही हम कन्वर्टेबल बोलते हैं। सेकंड मिलता है फ्रीजर पावर फ्रीज, अगर आप फ्रीजर को थोड़ा फास्ट कूलिंग करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिलता है, बस इसे आप 3 सेकंड के लिए पुश कीजिएगा तो ऊपर का जो टेम्परेचर है काफ़ी फास्ट आपका जो है बर्फ़ बना के दे देगा। अब चलिए इसका इंटरनल भाग हम आपको पूरा दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में जो है ये चैम्बर का जो है टोटल नेट कैपेसिटी है 53 लीटर, 53 लीटर तक आप इसमें ऊपर में स्टोर कर सकते हैं, और 133 लीटर तक आप नीचे पूरा फ्रीज का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रीजर टोटल मिला के 236 लीटर तक आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा साइज़ का पानी का बोतल रख सकते हैं, छोटा साइज़ का रख सकते हैं, ये अंडा रखने के लिए आपका है। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 3 सेल्फ्स मिलते हैं, जिसमें टफेन ग्लास दिया गया है, एक स्लाइड सेल्फ मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा आपका वर्क करता है। फिर नीचे है इसमें 105 केजी तक आप इस पर स्टोर कर सकते हैं, और सबसे नीचे आपका वेजिटेबल बॉक्स दिया गया है। वेजिटेबल बॉक्स के अंदर एक चीज़ और आपको मिलता है, देखिए इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको दिया गया है देखिए ये आइस मेकर आपका मिलता है, आइस मेकर ट्रे के साथ है, और ये रिमूवेबल आइस मेकर दिया गया है। इसमें आपको ट्रे भी दिया गया है, आप ट्रे अलग कर सकते हैं, और आइस बनाने के लिए आप इसमें जो है नॉर्मली पानी डाल दीजिएगा, और आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, और इसको आपको ऐसे डाल देना है, और इसे आपको जो है ऊपर स्टोर करके रखना है। यहाँ पे आप इसे आराम से रख सकते हैं ऊपर बर्फ़ जमाने के लिए। तो ये रिमूवल है, आराम से रिमूव कीजिएगा, और इस आइस एक यहाँ पे आपका दिया गया है कंटेनर, इस कंटेनर में आपका आइस आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, आप अपने उपयोग के अनुसार इसे ऊपर रख सकते हैं बर्फ़ बनाने के लिए, छोटा छोटा आइस क्यूब बनाने के लिए। और इसमें क्या किया गया है, कूलिंग मेंटेन करने के लिए आपको कूलिंग पैड दिया गया है, जिसके कारण इसमें जो है एक कूलिंग पैड आपका दिया गया है, जो ये कूलिंग पैड दिया गया है आपका कूल पैड। इसे अगर मान लीजिए आपका आपके एरिया में जहाँ जिस भी शहर में है, अगर इसमें पावर कट हो जाता है आपके शहर में और 8 से 12 घंटा तक भी आपका पावर नहीं आता है, तो ये कूलिंग पैड क्या करेगा, इसमें लिक्विड डाला रहता है, ये जो है आपके फ्रीजर को जो है पूरा मेंटेन करके रखेगा, कूलिंग को कम नहीं होने देगा ये कूलिंग पैड, जिसके कारण इसका कूलिंग जो है बरकरार रहेगा, 12 घंटा तक आपका इसमें कूलिंग मेंटेन रहेगा, अगर इसमें पावर सप्लाई आप नहीं दीजिएगा तो भी। तो ये काफ़ी अच्छा आपको मिलता है इसमें फीचर्स देखने को, और ये कन्वर्टेबल चैम्बर है, तो आप अपने उपयोग के अनुसार जो है इसे फ्रीज, और ये तो बताइए दिए कन्वर्टेबल है, जिसमें आप उपयोग के अनुसार पूरा फ्रीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर भी आप कॉस्मेटिक सामान रखना चाहते हैं, कुछ मेडिसिन रखना चाहते हैं, तो वो सभी आप जो है रख सकते हैं। इसका क्वालिटी बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, आप इसे क्लीनिंग करने के लिए आसानी से ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके फिर इसे आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रीजर का जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसमें एक और दिया गया है फ्यूडाइजर आपको इसमें मिलता है, जो कि क्या काम आता है सो हम बताते हैं। जैसे वेजिटेबल रखते हैं, फ्रूट रखते हैं, तो इसमें जो स्मेल आता है ना, जो बदबू आएगा, उसे ये जो है बहुत ही कम कर देता है। तो इसमें वो फिल्टर भी आपको लगा हुआ है, जिसे समय समय पर चेंज करवाना पड़ता है, तो ये भी ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण आपका फ्रिज जो है बदबू नहीं करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और काफ़ी अच्छा स्टोर आपको जो है वेजिटेबल रखने का भी इसमें दिया गया है। इतना भी इसके रिलेटेड जानकारी था सो हमने दे दिया। अब फ्रिज का प्रोज एंड कॉन्स बताएँ, तो
देखिए इसका नंबर वन है, इसका पीछे का लुक हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो है पूरा पैकेज मिलता है, इसमें कोई भी कंडेंसर आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। पूरा आपका डबल डोर फ्रिज है, पूरा पैक मिलता है। इसका पीसीबी बोर्ड भी आपका ऊपर इंस्टॉल किया गया है, जो कि चूहा से जो है काफ़ी प्रोटेक्टेड मिलता है। बस आपको नीचे कंप्रेसर देखने को मिलेगा, एक कंटेनर देखने को मिलेगा, और ये पावर कॉर्ड भी जो है ऊपर से कनेक्शन दिया गया है, जिसके कारण चूहा का काटने का खतरा 99% कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आलतू फालतू जो है इसमें आपको कोई भी तार देखने को नहीं मिलेगा। बस ये है, तो ये न्यूट्रल है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चूहा इसे काट भी दे तो कोई भी आपका रेफ्रिजरेटर को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि इसका पावर सप्लाई जो है आपको ऊपर से दिया जाता है। फ्रिज का प्राइस बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आप इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना भी इन्फॉर्मेशन था हमने आपको दे दिया। तो देखिए ये फ्रिज 2 स्टार रेटिंग आता है, इसमें 3 स्टार भी आता है, लेकिन 4 स्टार 5 स्टार आपको डबल डोर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वारंटी भी काफ़ी अच्छा है। तो देखिए जितना भी ब्रांड आ रहा है, सबसे थोड़ा अभी जो सैमसंग है अच्छा वारंटी आपको कंप्रेसर पर दे रहा है 20 ईयर, नहीं तो 10 ईयर का वारंटी रहता है, इस पर आपको 20 ईयर वारंटी मिलता है। तो काफ़ी अच्छा वारंटी आपको दिया जा रहा है, अब 1 ईयर ही आपको कंप्रेहेंसिव इसमें वारंटी देखने को मिलेगा। तो और ये कन्वर्टेबल है प्लस डिजिटल है, तो इस रेफ्रिजरेटर को आप परचेस कर सकते हैं। कम वोल्टेज से भी आपका वर्क करेगा, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है। इसका प्राइस हम आपको बताते हैं, 41,900 रुपया इसका MRP है, डिस्काउंट करके 29,499 रुपया में इस रेफ्रिजरेटर को आप परचेस कर सकते हैं। इसका हम आपको मॉडल रिपीट करते हैं, RT28C732C7 ये मॉडल है। इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही परचेस कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, परचेस करने से पहले इसमें हमको क्या कमी लगा सो हम आपको बताते हैं। इसमें एक स्टैंड नहीं दिया है कंपनी, अगर इसमें बेस स्टैंड दे देता तो इसका हाइट थोड़ा और बढ़ जाता, और कि काफ़ी अच्छा आपको जो है लुकिंग वाइज भी लगता, और इसका हाइट भी काफ़ी अच्छा हो जाता। लेकिन इसमें स्टैंड कंपनी को देना चाहिए, स्टैंड नहीं दिया गया है। प्राइस रेंज के अनुसार जो है इसमें स्टैंड दे सकती थी कंपनी। और फ्रेंड्स, इसको परचेस करने से पहले इसका टोल फ्री नंबर पे आप एक बार कॉल करके जरूर जानकारी ले लें कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे सैमसंग का सर्विस सेंटर उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि ये सब बिग साइज प्रोडक्ट होता है, इसे कैरी करना आसानी नहीं है। ठीक है, तो एक बार टोल फ्री नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लें, उसके बाद आप ये रेफ्रिजरेटर बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अगर आप 30,000 के रेंज में अगर आप अच्छा डबल डोर फ्रिज परचेस करना चाहते हैं तो ये फ्रिज आपके लिए बेस्ट रहेगा, बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। और काफ़ी यूनिक कलर के साथ आपको ये रेफ्रिजरेटर मिलता है। इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या हमसे बताने में कुछ छूट रहा है, कमेंट करें, 24 आवर्स के अंदर हम रिप्लाई दे देंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।